नमस्कार, टाइम्स न्यूज सिलवासा में आपका स्वागत है। मानसून के मौसम में डेंगू रोग के प्रसार को रोकने के लिए दादरा नगर हवेली स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू नियंत्रण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को फ्राइडे ड्राई डे के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों में मच्छरों के उत्पत्ति स्थलों को नष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस पहल का उद्देश्य घर के आसपास जमा साफ पानी को हटाना और घर के भीतर मौजूद पानी को बदलना है, जिससे डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लावा का नाश हो सके और इस बीमारी का प्रसार रोका जा सके। इस अभियान के तहत प्रदेश के लोगों की मदद से फ्राइडे ड्राई डे के दौरान गांवों, सोसाइटियों, चालों, स्कूलों, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण स्थलों और स्वास्थ्य संस्थानों में जमा पानी को हटाया गया। इस अभियान में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ नगर पालिका, जिला पंचायत के लोग, चुने हुए जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक और स्थानीय लोगों ने मच्छर उत्पत्ति स्थलों को नष्ट करने में सक्रिय भागीदारी की। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, जैसे पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के बर्तन, फ्रिज और एसी की ट्रे, टिन और प्लास्टिक के डिब्बे, फूलदान, नारियल के खोल, टूटे बर्तन, टायर, घर की छत। यदि हम सप्ताह में एक बार इन सभी स्थानों से पानी हटा दें, तो मच्छरों के प्रजनन स्थल का नाश हो सकता है। साथ ही प्रदेश के सभी लोगों से अपील की गई है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और मच्छरों के उत्पत्ति स्थलों को नष्ट करने में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इस रोग से स्वयं और अपने परिवार को बचाया जा सके। डेंगू के लक्षणों में अचानक तेज बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द जो आंखों को हिलाने पर बढ़ जाता है, मतली और उल्टी शामिल हैं। गंभीर मामलों में नाक, मुंह, मसूड़ों से रक्तस्राव या त्वचा पर लाल धब्बे हो सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच और उपचार कराएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, हम सभी जानते हैं कि डेंगू एक बीमारी जो बहुत ही गंभीर बीमारी है, जो मच्छरों के माध्यम से फैलती है, लेकिन हम सभी इस बीमारी को मिलकर नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इसी के लिए प्रशासन एक छोटी सी पहल कर रहा है, इसको नाम दिया गया है फ्राइडे ड्राई डे। तो फ्राइडे ड्राई डे का मतलब है कि फ्राइडे हफ्ते का एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन सभी नागरिकों को अपने घर के आसपास कहीं पे भी कंटेनर जो सीधे दिखते हैं, जिसमें पानी जमा हो सकता है या पानी ऑलरेडी जमा है, शुक्रवार के दिन जहाँ कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, तो उस दिन सब कंटेनर्स खाली होने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इन जगहों पे मच्छरों के लार्वा डेवलप ना हो। मच्छरों के लार्वा डेवलप नहीं होंगे तो डेंगू फैलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाए। सभी औद्योगिक इकाइयों, स्कूलों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से निवेदन करते हैं कि इस अभियान को गंभीरता से लें और हर शुक्रवार को अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करें। यह सिर्फ कुछ घंटे का काम है, परंतु यह करने से डेंगू होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है।